नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय। स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस के इस खास बुलेटिन में। आइए आपको ले चलते हैं 3 जनवरी की टॉप खबरों की ओर। कोरोना वायरस की महामारी के खिलाफ जारी जंग के बीच ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे कुछ उत्साही लड़ाई का निर्णायक मोड़ बताते हुए कहा है कि हर भारतीय को गर्व होगा कि जिन भी वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दी गई है वो भारत में बनी है। पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों की भी तारीफ करते हुए कहा कि हमारे वैज्ञानिक समुदाय ने भी आत्मनिर्भर भारत का जज्बा दिखाया है, इसके मूल में देखभाल और करुणा है। उन्होंने वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी को एक साहसी लड़ाई में टर्निंग प्वाइंट बताया है। पीएम ने कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन को DCGI की मंजूरी के बाद कोरोना मुक्त और स्वस्थ भारत का मार्ग प्रशस्त होगा। पीएम ने इसके लिए देश कड़ी मेहनत के लिए वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं को भी बधाई दी है। सीरम इंस्टीट्यूट के अदार पुनावाला ने ट्वीट कर नए साल की मुबारकबाद देते हुए कहा कि वैक्सीन के भंडारण समेत सभी जोखिम सीरम इंस्टीट्यूट ले रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को मंजूरी मिल गई है, यह सुरक्षित और प्रभावी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस के साथ।